नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिठाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसमें मावा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, ना सूजी है, ना मैदा है, ना चावल का आटा है और ना ही मावा है, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। तो चलिए वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पोहा। ये एक कप पोहा है, जिसे चिवड़ा कहते हैं, फ्लैट एंड राइस कहते हैं। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर तब तक हमने इसको भूनना है तब तक ये अच्छी तरह से रोस्ट ना हो जाए। अभी ये सॉफ्ट होगा और जैसे जैसे हम भूनेंगे इसको तो वैसे वैसे ये कड़क होता जाएगा। और ऐसे तोड़ के देखना, अगर बीच में से ये झट से टूट रहा है तो समझ लेना ये सिक गया है, रोस्ट हो गया है। तो बस गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद पीसेंगे। अब देखिए ठंडा हो चुका है और इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो इसको मिक्सी में मैंने पीसा है और देखिए कितना बारीक पीसा है। बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैडम आपकी मिक्सी कौन सी है, आप इतना बारीक कैसे पीस लेते हो। तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये मिक्सी मेरी सुजाता की है। अगर आपको ख़रीदनी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, पर ऑयल में फ्लेवर नहीं होना चाहिए। और अब हमने जो अपना चिवड़ा रोस्ट किया था उसको हम डाल देंगे, इसका पाउडर बना लिया था जो, और उसको घी में मिला देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। अब घी मिला दिया, उसके बाद मैं मिला रही हूँ 1/2 कप पाउडर शुगर। आप मार्केट में जो बूरा होता है उसे भी डाल सकते हैं, चीनी को पीस के डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं। और ये है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इलायची पाउडर डालने के बाद गैस को कर देंगे बंद। अब देखिए गैस मैंने बंद कर दी। अब मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा दूध डालूंगी पहले और देखती हूँ थोड़ा सा दूध डालने के बाद ये बाइंड होता है या नहीं। बस हमें इतना ही दूध डालना है जितने में ये बाइंड हो जाए। गैस यहाँ पर बंद है। अब थोड़ा सा दूध और डालती हूँ, तो लगभग 2 टेबल स्पून आप मान के चलिए कि 2 टेबल स्पून हमारा इसमें दूध लगा है और अच्छी तरह से वो बाइंड हो जाएगा। अब मैंने इसको देखिए 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर दूध और उससे ये आराम से बाइंड हो गया है। तो दूध देख लेना आप, अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं, बस बाइंड होना चाहिए ये इस तरह से। और अब हाथों की सहायता से जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से हम गोल कर देंगे। थोड़ा मोटा मोटा रखना तो मोटे पीस ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसको गोल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से हाथों से भी हो जाएगा ये। अब इसको कुकी कटर से हम शेप देंगे, काट लेंगे इसको। तो कुकी कटर में जो सबसे छोटा साइज होता है उसी से मैं काट रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, बनाने में बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाती है। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक बादाम का टुकड़ा। इसमें आप अंदर भी चॉप करके इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाले हैं। बस ऊपर से ऐसे बादाम लगा देंगे। ये लीजिए हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस।